सरकार झूठी है, करोड़ों रुपए झूठे प्रचार प्रसार पर खर्च कर रही है। और मैं बता रहा हूँ, इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना, तो उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को वोट मत देना। छह सालों से सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई, और ये इंदौर में देखो इतना बड़ा बोर्ड लगा लगा कर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूँ शिवराज का परिवार। ये शिवराज के परिवार से कोई होगा, क्योंकि शिवराज ने तो कोई भर्ती ऐसी निकाली नहीं है। कल रात में 3-4 बजे एक छात्र का मैसेज आया, वो बताने से भी मुझे डर लगता है। बच्चे का मैसेज था कि सर मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, क्या इस साल भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आएगी। सुबह में उठा, मैंने उसका मैसेज पढ़ा और घबरा कर उसको तुरंत कॉल किया। उससे कहा कि नहीं नहीं, तुम इतना नकारात्मक मत सोचो, सकारात्मक रहो। आचार संहिता से पहले तुम्हें सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, परीक्षा चुनाव के बाद होगी, पाठ्यक्रम वही है, अच्छे से ध्यान से फोकस करके पढ़ते रहो। कब तक झूठा आश्वासन दे? ये सरकार खुद तो झूठी है और हम शिक्षकों को भी झूठा कर रखा है। ये देखो क्या है, सरकारी नौकरियों में 1,00,000 भर्तियों का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को मेरा चैलेंज है, अगर तुम 30,000 भर्तियों 30,000 पदों पर भी तुमने परीक्षा कराकर अगर नियुक्ति दी हो तो मुझे जेल में डाल देना। कहां से दी तुमने भर्तियां? तुमने किसी भर्ती का रिजल्ट तक तो जारी किया नहीं है, सारे रिजल्ट को तुम दबा कर बैठे हुए हो। पटवारी घोटाले की जांच 31 अगस्त तक पूरी होनी थी, और जिस प्रकार से उसमें से लोग प्रोसेस चल रही, उससे साफ पता पड़ता है कि सरकार की मंशा क्या है। जो उस परीक्षा में ईमानदारी से चयनित हुए थे वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे, लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे, लाखों विद्यार्थी सब इंस्पेक्टर ASI महिला पर्यवेक्षक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 इनके विज्ञापन का इंतजार कर रहे। कहां से दे दी तुमने 1,00,000 भर्तियां? और मैं बता रहा हूं, हल्के में मत लेना, हम लोग 20,00,000 विद्यार्थी नहीं, 20,00,000 परिवार है। इस बार बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बच्चे सीवियर डिप्रेशन में है, और तुम ऐसे प्रचार प्रसार करके हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। अरे हम सबको 20,00,000 विद्यार्थियों को किसी एक जगह पर खड़ा करके बुला लो, इकट्ठा कर लो, और अपने आदमियों से कह दो कि हमारी पीठ में खंजर घोंप दे। यूं तिल तिल करके मरने से अच्छा है कि एक बार में रट्टा खत्म हो। और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, 4 दिन के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें पता है सब इंस्पेक्टर भर्ती की प्रोसेस पूरी हो चुकी है, लेकिन जैसी सरकार है वैसे ही अधिकारी है काम से दूर भागने वाले। और ये मेरी वीडियो आखिरी मत समझना, ये मेरी पहली वीडियो है,